subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर विदिशा जिले से, जहां कोरोना वायरस को लेकर आगामी 31 मार्च तक सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने व कम से कम भीड़भाड़ कर आयोजन करने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं इस संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने सभी जनपद CO SDM तहसीलदार सहित अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने सभी धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। देखिए पूरी खबर तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए रवि चौरसिया की रिपोर्ट। ये बेसिकली जो बैठक हुई थी, जो कोरोना वायरस से संबंधित जो रोकथाम के उपाय हैं और प्रिवेंशन के उपाय हैं, उस पर लेके सभी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के जो प्रमुख लोग हैं उनसे एक बैठक ली गई थी, क्योंकि अभी भविष्य में कई सारे धार्मिक और सामाजिक आयोजन होने हैं। उसमें हम ये चाहते हैं कि धर्म गुरुओं के माध्यम से या उनके जो प्रमुख लीडर्स हैं उनके माध्यम से, यदि ये स्वतः स्फूर्त रहेगा, जो प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, और कई आयोजन हो सकता है कि उनकी अनुमति लोग खुद ही मांगने से मना कर दें, खुद ही यदि अपनी ओर से कैंसिल कर देते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो लोगों की ओर से स्वयं आती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम ज़्यादा उसमें सक्सेस। सर, कोरोना वायरस जानवरों से फैल रहा है लेकिन शहर में कई जानवरों से नहीं फैल रहा है, ये पैम्पलेट में है सर, लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा अभी उसी पर। तो शहर में कुछ मवेशी हैं और कुछ कुत्ते हैं। देखिए, सामान्य जो सफाई व्यवस्था है वो है, लेकिन कोरोना जो फैल रहा है वो उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब मैन टू मैन ही फैल रहा है, तो वो प्रिवेंशन है। लेकिन जो आप अगला विषय जो आप बता रहे हैं, साफ सफाई और आवारा पशु हैं, वो हमेशा प्राथमिकता में रहेंगे और उन पर प्राथमिकता हम और बढ़ा रहे हैं अभी, वो तो बढ़ाई है।